हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। में ज्योति का कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पे। तो इस बार का मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कुर्ता सेट विद दुपट्टा, जो कि बहुत ही कम रेंज में मैंने परचेस किया, वो भी मीशो से परचेस किया है। इतने कम रेंज पे सिर्फ और सिर्फ आपको मीशो पे ही मिलेगा और क्वालिटी भी आपको मीशो पे अच्छी खासी मिल जाएगी। वैसे तो हम लड़कियाँ हैं, लड़कियों को क्या आदत रहता है ना कि हम लोगों को कम कम रेंज पे भी चाहिए और क्वालिटी भी अच्छा चाहिए। तो उस हिसाब से मीशो बेस्ट ऐप है आप लोगों के लिए। आप वहाँ से कुछ भी परचेस करो, कम रेट पे मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो इस बार मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस बार का जो मैंने कुर्ता सेट मैंने जो परचेस किया है वो अंडर मैंने 500 परचेस किया है विद दुपट्टा, जो कि बहुत ही अच्छे इसे मैंने बहुत सर्च करके मैंने परचेस किया है इसे। और वही मैं ऑनेस्टी रिव्यू आप लोगों से शेयर करूँगी इस बार कि हाँ मुझे कैसा रिसीव हुआ है। ऐसे प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है तो सेम ही मुझे आया है या डिफरेंट कलर आया है, तो वही इसी बारे में आज मैं आपको बताऊँगी और फुल डिटेल में मैं आपको पूरा कुर्ता सेट दिखाऊँगी। तो चलो फिर मैं आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जितना भी मैंने कुर्ता सेट मैं आपको दिखाऊँगी ना, सारा का सारा मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई भी पसंद आता है तो आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो और इतने कम रेंज में मिल रहे हैं तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो फिर आपको वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो ये है मेरा आज का सबसे पहला कुर्ता सेट। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग पूरी अच्छी आई है। यहाँ से मैंने अब तक से खोला भी नहीं है, इनफैक्ट मैंने देखा भी नहीं है कि क्वालिटी मुझे कैसे रिसीव हुई है, कैसे मिली है। मैं आपके सामने इसे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, पार कर देखती हूँ भाई कि कैसा मुझे रिसीव हुआ है, सेम ही है या फिर डिफरेंट है। जैसा कि देख सकते हो कुछ ऐसा मुझे रिसीव हुआ है और ऊपर में पूरी की पैकेजिंग तो अच्छी थी। पैकेजिंग के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा कलर वाला, मैंने ये वाइट एंड ब्लू कलर पे मैंने ये कुर्ता सेट लिया है। काफ़ी सुंदर दिख रहा है और ये पूरा प्रिंटेड है। प्रिंटेड के साथ मैं आपको बता दूँ इसमें मुझे दुपट्टा मिला है। दुपट्टा भी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छा है। कॉटन है ये पूरा सूट कॉटन है। ये है इसका पजामा और ये है इसका सूट। सूट की चलिए मैं बात करती हूँ। आपको मिल जाएगा फ्रंट से आपको नेक, जैसा कि आप देख सकते हो आपको एकदम गोल गला मिलेगा। और ये मैंने मीडियम साइज़ मंगाया है। आजकल मैं थोड़ी सी हेल्दी होते जा रही हूँ तो मुझे अपना साइज़ चेंज करना पड़ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा प्रिंटेड है, 3x4 इसकी स्लीव आएगी। यहाँ पे अलग से आपको थ्रेड का वर्क दिखेगा, जैसे कि देख सकते हो ना ये पूरा ये प्रिंटेड नहीं है, यहाँ पे थ्रेड का वर्क दिया गया है। बहुत ही अच्छा वर्क है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपके गले के पास भी आपको ना थ्रेड का वर्क मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हो। और इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, मुझे इसकी क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी लगी। और स्टिचिंग की तो आप बात ही मत करो, स्टिचिंग बहुत ही अच्छी आई है यार, काफ़ी पसंद आ गया है। मुझे लगता है ना कि इसको जब मैं वेयर करूँगी तो मैं काफ़ी अच्छी और सुंदर से दिखूँगी। चलो ये हो गया कुर्ता का बात। अब मैं बात करती हूँ इस बॉटम का। उसके बॉटम का जो आप प्रिंट देख सकते हो ना, उसको ले करके बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन से इन्होंने बनाया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हो इसका कलर थोड़ा सा डार्क कलर में, इन्होंने ब्लू में डार्क कलर दिया है, वाइट में इसका ये जिग-जैग जैसा इन्होंने प्रिंट किया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो इसकी स्टिचिंग है काफ़ी सुंदर है। और ऊपर में आपको इलास्टिक मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। मुझे काफ़ी पसंद आया इसका ये कुर्ता और बॉटम्स का पैंट। और बात करते हैं ये दुपट्टा बहुत ही अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा। मतलब बहुत सारे दुपट्टों में क्या रहता है ना कि उनमें फिनिशिंग नहीं रहता, इसमें पूरा पीको वगैरह सब किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो दुपट्टा का जो डिज़ाइन है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो इसका प्रिंट है मुझे काफ़ी प्यारा और काफ़ी सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव सा लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें आपको सारा साइज़ मिल जाएगा, आप जो साइज़ चाहते हो आप परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है, गर्मी के हिसाब से काफ़ी सुंदर और काफ़ी कम रेट पे आपको ये मिल रहा है। स्पेशली तो उन लोगों के लिए जो वर्किंग वूमेंस है ना, वो लोगों के लिए ऑफिस के लिए बेस्ट है और कॉलेज सबके लिए भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम्फर्टेबल है। चलो मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ, वेयर करने के बाद ये कैसा लगता है। Anywhere you said, anywhere.
जो मेरा नेक्स्ट कुर्ता सेट है, जैसे कि आप देख सकते हो पैकेजिंग कुछ अच्छी ऐसी आई है और अच्छी आई है, मतलब ये बोल सकते हैं कोई डैमेज नहीं है, पैकेज जैसा फटा रहता है ना, थोड़ा सा टेंशन भी होता है कि पता नहीं प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने परचेस किया है येलो कलर में, जैसा कि आप देख सकते हो। ये पता नहीं मेरे चेहरे पे सूट करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जो मेरा कलर है वो थोड़ा सा डार्क कलर है, तो येलो कुछ ज़्यादा ही येलो दिख रहा है, तो इसको वेयर करने पे पता चलेगा। फिर भी मैं आपको चलो इसका रिव्यू देती हूँ, रिव्यू देने के बाद मैं पहन के भी दिखाऊंगी आपको। ये मैंने भी मीडियम साइज़ में मंगाया, जैसे कि आप देख सकते हो। इसलिए येलो कलर है, येलो कलर में आपको फ्लावर और ये प्रिंट मिल जाएगा फ्लावर वाला, काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा है। और आपको आगे से आपको गोल गला मिलेगा और छोटा सा वी नेक जैसा मिलेगा, काफ़ी सुंदर है। पीछे से आपको राउंड नेक मिलेगा और 3x4 इसकी स्लीव है और एकदम स्ट्रेट कुर्ती है, काफ़ी अच्छा। इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है और देखा जाए तो इसकी स्टिचिंग भी अच्छी है। कहीं कहीं पे धागा थोड़ा बहुत निकला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर में थोड़ा सा धागा निकला हुआ है, लेकिन वो अलग से धागा ऐसा निकला हुआ वैसा नहीं है, स्टिचिंग है बस उसको काटा नहीं गया है, लेकिन अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका कपड़ा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और वेयर करने के बाद तो पता नहीं मुझे मेरे में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन कपड़े काफ़ी अच्छे हैं और जो इसका फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है। और मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ, प्लाजो पैंट, और नीचे मुझे प्लाजो पैंट रिसीव हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऊपर नीचे आपको सेम मिलेगा जैसा फैब्रिक है ऊपर का कुर्ती का, वैसे ही नीचे आपको फैब्रिक वो भी मिलेगा नीचे का प्लाजो का, काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा है, प्रिंटेड है जैसा कि आप देख सकते हो। ऊपर में इलास्टिक मिल जाएगा आपको और फुल लेंथ है, काफ़ी अच्छा, इसकी चौड़ाई भी सही है, काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये। और ये भी कॉटन में मिलेगा। और ये है दुपट्टा, दुपट्टा थोड़ा सा यूनिक है, दुपट्टा से ना पूरा चेंज हो जाता है सूट, दुपट्टा ना रहे तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन कॉटन दुपट्टा यार काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा है। जो दुपट्टा का जो वर्क बोलेंगे, प्रिंट बोलेंगे ना, काफ़ी सुंदर है, जैसे कि आप देख सकते हो जो फ्लावर का जो प्रिंट है ना, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है। यहाँ पे जिगजैग जैसा आपको ये मिल जाएगा बीच में येलो कलर पे वाइट कलर पे, काफ़ी सुंदर सी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अच्छे से पूरा उन्होंने पीको करके दिया, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। मुझे ओवरऑल देखा जाए ना तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी यार, और वो भी 500 के अंदर पे आपको ये कुर्ता सेट मिल रहा है, तो और क्या चाहिए यार, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा लगा। और सारा साइज़ आपको मिल जाएगा और लिंक तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाना है अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। तो चलो फिर मैं आपको उसको वेयर करके दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट पार्सल है कुछ मुझे ऐसे पैकेट में रिसीव हुआ है, ट्रांसपेरेंट पैकेट में मुझे रिसीव हुआ है, तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने कौन सा ऑर्डर किया है और जो मैंने ऑर्डर किया है वो एग्जैक्ट वही आया है। काफ़ी देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कलर कभी कभी मिसिंग थोड़ा सा हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे कलर हो जाता है, लेकिन नहीं कलर ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही है। और चलो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एक्चुअली ये मैंने बहुत टाइम से मैंने देखा हुआ था, मैं सोच रही थी कि मैं इसे परचेस करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, फिर फाइनली मैंने सोचा कि चलो अभी परचेस नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा कि कैसी क्वालिटी है कैसी नहीं है, तो इसलिए मैंने परचेस किया और काफ़ी सुंदर सा मुझे रिसीव हुआ है सूट। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मुझे मिल गया है। आप जैसे कि देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा वी नेक है और यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा लेस लगा हुआ मिलेगा, वाइट कलर का लेस लगा मिलेगा आपको वी नेक पे ही, और जिसकी प्रिंट है काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कॉटन ही है, लेकिन कॉटन का मटेरियल जो बोलते हैं ना बहुत ही अच्छा वाला, इससे पहले जो मैंने दो कुर्ती आपको सेट दिखाया था वो काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छे एकदम फाइन वर्क था, इसमें उतना मुझे मज़ा नहीं आ रहा है उसका, देखो आप थ्रेड भी निकला हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है और लेंथ भी बहुत ही अच्छा है इस कुर्ती का, मुझे अच्छा लगा। ऐसी बात यह कि अच्छा नहीं है, लेकिन वो सब जो दो वाले थे वो काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छे थे, ये भी अच्छा स्मॉल साइज में लिया है, जो इसका प्रिंट है काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाइट कलर में आपको ये ग्रीन और ऑरेंज कलर का प्रिंट मिल जाएगा, काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलो मैं आपको इसका पजामा दिखाती हूँ। पजामा में आपको ऊपर में इलास्टिक मिल जाएगा, ये पूरा प्रिंटेड है आप जैसे कि देख सकते हो, और ये थोड़ा सा आपको नीचे से वो पैंट जैसा मिलेगा, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, ठीक ठाक है, सुंदर है, कम रेट पे मिल रहा है यार, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा, मैंने क्या उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी
हिसाब से, मतलब गर्मी के हिसाब से काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, पूरा प्रिंटेड है और पूरा का पूरा जो फैब्रिक है वो कॉटन पे है। और जो इसकी स्लीव है 3x4 स्लीव है। आपको मैं इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा कुछ मुझे ऐसा रिसीव हुआ है, आप देख सकते हो, ये भी पूरा प्रिंटेड है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर सा है, प्रिंट काफ़ी अच्छा लग रहा है ना इसमें। और नॉर्मल सा आप कोई भी कुर्ती डाल करके ना ये दुपट्टा लगा लो यार, बहुत ही प्यारा सा लगेगा। व्हाइट कलर का आप कुर्ती डाल के दुपट्टा ले लो, बहुत ही प्यारा लगेगा। चलो मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ, वेयर करने के बाद ये कैसा लगता है। नेक्स्ट जो मेरा कुर्ती है कुछ मुझे ऐसे रात ट्रांसपेरेंट पैकेज में रिसीव हुआ, जैसे कि याद है उसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी आई है, मुझे काफ़ी पसंद आया। कभी कभी थोड़ा सा मीशो से मैं नाराज़ हो जाती हूँ क्योंकि पैकेजिंग अच्छी नहीं आती है, तो मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ कि हाँ अच्छी नहीं है, लेकिन अभी तो उन्होंने पैकेजिंग बहुत ही अच्छी रखी है। चलो मैं आपको उसको खोल के दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा मुझे ये कुर्ती रिसीव हुआ है। आपको यहाँ मैंने मीडियम साइज में लिया है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा गोल गला मिलेगा, पीछे से भी आपको गोल मिलेगा, मैंने मीडियम साइज लिया आपको मैंने बता दिया। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका प्रिंट है काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको अलग सा कोई कॉटन ही फैब्रिक है, कॉटन में ही आपको यहाँ पर बटन लगा हुआ मिल जाएगा, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक के पास जो डिज़ाइन दिया गया काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर आपको हाथ के पास भी अलग से फैब्रिक मिलेगा लगा हुआ, बाकी तो ये पूरा के पूरा ये प्रिंटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो जो ब्लू कलर में आपको प्रिंटेड में मिलेगा, फ्लावर बने हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो इसकी स्लीव है वो 3x4 है और इसका कुर्ती का भी लेंथ काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी स्टिचिंग जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर निकली हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। अब बात करते हैं इसकी बॉटम की। बॉटम जैसे कि आपको मिल जाएगा थोड़ा सा, जैसे वहाँ पर अलग अलग फैब्रिक लगा करके दिया गया था उसी फैब्रिक पर आपको मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्रीम कलर पे आपको यहाँ पे प्रिंटेड मिल जाएगा, फ्लावर बने हुए हैं हर जगह पे। यहाँ पे आपको इलास्टिक मिलेगा, काफ़ी अच्छा इलास्टिक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये है आपका पैंट, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है। ये सूट जैसा वो नहीं होता है पटियाला सूट जैसा, वैसे नीचे पे मुझे लग रहा है कि वैसे ही दिया हुआ है फैला हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है, मैं आपको बता दूं, और कॉटन तो गर्मी में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कम्फर्टेबल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और चलो अब बात करते हैं दुपट्टे की। दुपट्टा कुछ मुझे ऐसा रिसीव हुआ है, प्रिंटेड दुपट्टा है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने परचेस कर लिया। लेकिन इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो धागे कैसे दिख रहे हैं। दुपट्टा काफ़ी सुंदर है, प्रिंटेड काफ़ी सुंदर है, आपको मैं दिखा दूँ, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा है जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन जो इसकी फिनिशिंग है ना, यहाँ पे इनको पीको करा के देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पीको करा के नहीं दिया, पूरा ऐसे ही उन्होंने कट करके दिया है। लेकिन दुपट्टा मुझे अच्छा लगा, बस इसकी फिनिशिंग नहीं है, दुपट्टा अच्छा है लेकिन फिनिशिंग नहीं है इसकी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलो उसको वेयर करके देखते हैं, वेयर करने के बाद ये कैसा लगता है। ये है मेरा आज का लास्ट, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ मुझे ऐसे पैकेट में रिसीव हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी था, मैंने बहुत लोगों के पास भी देखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसे परचेस कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कॉटन नहीं है, जो मैंने परचेस किया ना वो रेयन में परचेस किया है, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसे परचेस कर लिया। और चलो मैं इसकी आपकी क्वालिटी बता देती हूँ, क्वालिटी कैसी है, आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे जैसा मैंने परचेस किया था सेम मुझे वैसा ही रिसीव हुआ है, काफ़ी अच्छा सा और काफ़ी प्यारा सा।
जैसा कि आप देख सकते हो उसमें दिया गया था, ये हल्का सा आपको ऐसा नेक मिलेगा, काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है, ये हार्ट शेप नेक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये आपको स्लीवलेस मिलेगा, ठीक है। स्लीवलेस होने के बाद आपको बैक में ये मिल जाएगा, डोरी मिल जाएगा बांधने को, आपको पीछे साइड पे आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, अगर आप हटाना चाहो तो आप रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन बांधोगे तो भी चलेगा, नहीं बांधोगे तो भी चलेगा। वैसे क्वालिटी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, और ये पूरा के पूरा ब्लू में आपको व्हाइट प्रिंट मिलेगा, फ्लावर मिलेंगे, काफ़ी सुंदर से लग रहा है, और कुर्ती का लेंथ काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हो जैसा ये पूरा स्ट्रेचबल है, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो इसमें पॉकेट मिला है, मुझे पॉकेट मिल गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार। पॉकेट होना मतलब सूट सब में भी पॉकेट, देखो पॉकेट मिला है, और काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये पैंट कुछ ऐसा आपको रिसीव हो जाएगा, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जैसा सेम सूट है वैसा ही उसका पैंट है। दुपट्टा थोड़ा सा इसका यूनिक मिलना चाहिए, क्योंकि दुपट्टे से ही तो लुक आता है, और जैसे कि आप दुपट्टा देख सकते हो, दुपट्टा थोड़ा सा पतले में है लेकिन काफ़ी अच्छे में है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी पर मुझे रिसीव हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो प्रिंटेड है, मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी यूनिक सा लगा, तो मैंने ले लिया, और बहुत लोगों के पास मैंने देखा था इसलिए मैंने परचेस किया। और आपको पूरा का पूरा आप जैसे देख सकते हो पूरी अच्छे से स्टिच करके दिया गया है, मुझे काफ़ी इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। तो चलो फिर मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ, वेयर करने के बाद ये कैसा लगता है। आई होप कि आपको मेरा ये कुर्ता सेट का हॉल वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोग से कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, इतने कम कम रेंज में मैंने परचेस किया है, तो पक्का कोई ना कोई चीज़ तो आपको पसंद आ ही गया होगा, अगर आया होगा तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना पड़ेगा, मैं वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कभी भी वीडियो कोई भी अपडेट करूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। आप लोगों के लिए ही मैं अपडेट कर रही हूँ आपको, ताकि कुछ भी चीज़ परचेस करने में बहुत ही इजी हो। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।